फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधारित्र की स्थित ऊर्जा या संधारित्र के द्वारा ऊर्जा का संचय, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, अब जो है आपको जानना है कि ये संधारित्र जो है ऊर्जा का संचय किस प्रकार से करेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो कार्य करना पड़ता है, यह कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, या स्थितिज ऊर्जा बोलो या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए ना इस बात को। जब हम किसी संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करेंगे तो क्या होगा, ये हमें कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य जो हैं संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो संधारित्र के दो काम हैं, एक तो ऊर्जा का संचय करना और दूसरा आवेशों का संचय करना। ठीक है बच्चों, दो काम होते हैं संधारित्र के। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, संधारित्र को आवेशित किया तो हमें कार्य करना पड़ा, तो ये कार्य जो है संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, इस प्रकार से उसने एनर्जी को स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, संधारित्र को जो है जब आवेशित करेंगे, ठीक है बच्चों, जब हम संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करेंगे तो क्या होगा, प्रारंभ में जब हम आवेश ही नहीं देंगे तो उसका विभव क्या होगा, शून्य होगा। हम आवेश को जो है धीरे धीरे देंगे, मान लीजिए हमने 10 कूलम आवेश देना है तो हम जीरो से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 10 दे देंगे, टोटल हमने क्यू दे दिया, तो यहाँ पर आपको औसत विभव निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, प्रारंभ में जब आवेश का पहला भाग दिया गया, ठीक है बच्चों, तो विभव शून्य था। ठीक है बच्चों, पहले तो शून्य था ना, तथा क्यू आवेश देने पर विभव भी हो गया। ठीक है बच्चों, जब आवेश का पहला भाग जो है, ये देखो प्रारंभ में जब आवेश का पहला भाग दिया गया तो उससे पहले विभव क्या था, शून्य था। अब जब आपने पूरा आवेश क्यों दे दिया तो विभव कितना हो गया, भी हो गया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे बच्चों औसत विभव। ठीक है बच्चों, क्या निकालेंगे, औसत विभव निकालेंगे बच्चों। ठीक है, औसत विभव तो कितना हो जाएगा बच्चों, पहले शून्य था जब आवेश नहीं दिए थे आपने, अब जब आपने क्यों आवेश दिया तो विभव भी हो गया, तो औसत विभव कितना हो गया बच्चों, V/2। ठीक है बच्चों, और आप जानते हैं कि विभव बराबर V बराबर होता है W/Q, चाहे विभव बोलो चाहे विभवांतर बोलो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, V×Q, अर्थात जो कार्य हमने किया उसका मान किसके बराबर, विभव इंटू आवेश। तो यहाँ पर विभव क्या लिखेंगे हम,
अब विभव न लिखेंगे बल्कि औसत विभव लिखेंगे, ठीक है। कार्य, कार्य या डब्लू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो भी, भी की जगह क्या जाएगा बच्चों, औसत विभव, क्या जाएगा औसत विभव इनटू आवेश, आपने उसको कितना आवेश दिया। तो W बराबर औसत विभव कितना है बच्चों, V बाई टू, और आवेश कितना दिया आपने, Q दिया आपने आवेश, ठीक है बच्चों। अब ये सूत्र कितना आ गया बच्चों, वी क्यू बाई टू, ठीक है बच्चों। और यही कार्य जो है स्थितित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, वन बाई टू वी इंटू क्यू। तो ये पहला सूत्र बन गया है संधारित की स्थितित ऊर्जा का, न्यूमेरिकल पूछे जाते बच्चों। अब बच्चों आपको अलग अलग टर्म्स में इसको लिखना है। अब मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कराता हूँ बच्चों। इधर देखिए हमारे पास सूत्र है Q बराबर CV, ठीक है बच्चों। अगर आपको यहाँ पर Q बदलना है तो आप Q की जगह पर क्या लिखेंगे, CV लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे बच्चों, तब वो किसके टर्म आ जाएगा, किसके टर्म आ जाएगा, भी और सी के। क्यों नहीं चाहिए आपको, मान लीजिए, मान लीजिए आपको क्यों नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस Q की जगह पे क्या लिख देंगे, सी भी लिख देंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे बच्चों। तो अब ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखे बच्चों, अब ये कितना आ जाएगा, जब आपने Q लिख दिया इसको तो ये कितना आ गया बच्चों, हाफ सी भी स्क्वायर। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा बन गया बच्चों, यू बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये इसका दूसरा फॉर्मूला बन गया, किसके पदों में, पहला विभव और आवेश के पदों में था, दूसरा धारिता और विभव के पदों में था, और ये समीकरण नंबर दो बन गया। अब बच्चों मान लीजिए आपको भी नहीं चाहिए, भी नहीं चाहिए आपको, आपको भी और क्यों में निकालना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, अब आपको भी नहीं चाहिए मान लीजिए, तो भी नहीं चाहिए तो भी निकालना पड़ेगा, क्यू बराबर सी भी हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमको भी नहीं चाहिए तो भी कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से क्यू बाई सी। अब इस वैल्यू को चाहे तुम कहाँ रख दो, चाहे तुम समीकरण नंबर एक में रख दो, चाहे तुम समीकरण नंबर दो में रख दो। चलो मैं समीकरण नंबर एक में रख देता हूँ बच्चों, तो कितना है हाफ भी क्यू, और भी की जगह कितना लिखेंगे बच्चों, ये निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है, क्यू बाई सी इंटू कितना है क्यू, तो U कितना आ गया बच्चों, U बराबर हो गया हाफ Q स्क्वायर बटे C। तो बच्चों ये संधारित्र का क्या गया, तीसरा संधारित्र की जो स्थिति ऊर्जा है उसका तीसरा फॉर्मूला आ गया बच्चों। पहला कितना आ गया बच्चों, ये देखो, फर्स्ट वन इज हाफ V इंटू Q, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों, U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला कितना आ गया, U बराबर कितना आ गया बच्चों, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो हैं हम आपको इसका सेकंड मेथड भी बताएंगे इंटीग्रेशन के द्वारा, सेकंड मेथड यहाँ पर लिख दिया बच्चों मैं। अब सेकंड मेथड में आपको इसका बता रहा हूँ इंटीग्रेशन के मेथड द्वारा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बच्चों देखिए, जब आपने क्यू आवेश दिया, क्यू आवेश देने पर, पहले तो बच्चों शून्य था, क्यू आवेश देने पर विभव इज इक्वल टू वी, और जब आवेश ही नहीं दिया था तो विभव तो था नहीं बच्चों, ठीक है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर आपने इस सूत्र के द्वारा, ये देखो बच्चों, Q बराबर सी भी, ठीक है, Q बराबर कितना आ गया, सी भी आ गया है बच्चों। तो यहाँ से आपने भी निकाल देना है, भी बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई सी, ठीक है। तो ये जो Q आवेश देने पर जो विभव भी हो रखा है, तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, भी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू बटे सी, ये क्यू बटे सी हो जाएगा, भी माने सी जो है वहाँ पर धारिता है, ठीक है बच्चों। अब जो है डी क्यू आवेश, थोड़ा सा आवेश दिया ना, डी क्यू आवेश
आवेश देने पर कार्य, माना थोड़ा सा आवेश दिया तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। ये देखो कार्य कितना हुआ बच्चों, डी डब्ल्यू हुआ। ठीक है बच्चों, अब कुल कार्य आपको निकालना है बच्चों। कुल कार्य निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कुल कार्य डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसको बताने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला फिर बता दूंगा। भी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, भी इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, भी इंटू क्यू हो जाएगा, और भी की वैल्यू हमने पहले से निकाल लिया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देंगे। तो कितना आवेश, पहले कितना आवेश था, शून्य आवेश था। आपने कहाँ तक आवेश को ले गए हैं, क्यू तक ले गए हैं। अब जो है डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कितने लेंगे, भी इंटू क्यू। तो भी की वैल्यू कितने बच्चों, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाए, भी इंटू क्यू, तो भी की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्यू बटे सी। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों आपको, डब्ल्यू यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, भी इंटू, ये दिखाई दे रहा है भी इंटू क्यू है, भी की वैल्यू कितनी है, क्यू बाई सी इंटू क्यू, क्यू बाई सी इंटू क्यू, और ये क्या हो जाएगा, डी क्यू। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये क्यों नहीं आएगा बच्चों, ये क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर ये चार्ज कितना दिया आपने, यहाँ पर कितना चार्ज दिया आपने, ये डी क्यू आपने यहाँ पे चार्ज दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डी क्यू आपने चार्ज दिया है। ठीक है बच्चों, अब कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे बच्चों, डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, आपने जीरो से क्यू तक, पहले आवेश नहीं दिया था तो जीरो था, अब क्यू हो गया, और यहाँ पर ये भी की जगह कितना आ गया बच्चों, क्यू बाई सी आ गया। ठीक है बच्चों, इनटू कितना आवेश दिया आपने, डी क्यू आवेश दिया। ठीक है बच्चों, अब इंटीग्रेशन में यहाँ पर सी जो है कांस्टेंट, तो वो बाहर आ जाएगा बेटो, वन अपॉन सी इंटीग्रेशन जीरो टू क्यू क्यू डी क्यू। ठीक है बच्चों, और इसका सूत्र होता है, ध्यान रखना बच्चों आपको, इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू बराबर होता है क्यू स्क्वायर बाई टू, ये सूत्र है। मैं आपको इंटीग्रेशन के द्वारा भी बता दे रहा हूँ बच्चों। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये वन अपॉन सी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लेकिन इसकी लिमिट जो लगानी, कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, जीरो टू कितना है बच्चों, जीरो टू कितना है, क्यू है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम क्या रखेंगे, ये एक बट दो मैंने यहाँ ले लिया बच्चों, ये एक बट दो हमने यहाँ बाहर ले लिया। तो ठीक है बच्चों, पहले हम q की जगह पर q रखेंगे, तो ये q स्क्वायर ही होगा, और उसके बाद ये जीरो का स्क्वायर, दूसरी बार हम जीरो रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ, ठीक है बच्चों, q स्क्वायर, ये q स्क्वायर, और बटे कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, और यही कार्य जो है उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर वन ये है, अब हमने तीन इक्वेशन और निकालने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, Q बराबर क्या है बच्चों, C भी है, इसमें Q और C है, अगर हमको Q नहीं चाहिए तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, इसमें C भी लिख देंगे, समीकरण एक में लिख दो, C भी लिख दो, तो U बराबर कितना आ गया बच्चों, हाफ Q की जगह पर क्या लिखेंगे, सी भी का स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर भी स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा। एक सी से सी कैंसिल हो गया, एक सी से सी कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया बच्चों, हाफ यहाँ पर सी हो जाएगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर, ये सी से सी कैंसिल हो गया, ये बच्चों हमारा दूसरा समीकरण निकल गया। ठीक है बच्चों, समीकरण ये क्यू और सी के पदों में है, ये सी और भी के पदों में है, अब क्यू और भी के पदों में हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, क्यू और भी के पदों में हमने निकालना है, तो हमको क्यू और भी के पदों में, ये सी नहीं चाहिए अब, तो यहाँ से सी कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बोलो सी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बटे भी हो जाएगा। कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर टू में इस सी की जगह रख देंगे, तो यू कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ सी की जगह पर कितना रखेंगे, क्यू बटे भी इंटू भी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस भी से ये भी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर कितना आ जाएगा, हाफ क्यू इंटू भी, ये तीसरा इसका सूत्र आ गया। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन के मेथड से मैंने आपको बता दिया, आप चाहो तो पहली विधि द्वारा कर सकते हैं, और चाहो तो आप जो मैंने ये दूसरी विधि द्वारा किया है, और मैथ्स के बच्चे जो हैं
ज़्यादातर जो है इंटीग्रेशन मेथड से ही इसमें करते हैं। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।